रोना तो आएगा ना, रोना तो आएगा ना। बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे, भगवान का रूप होते तो छोटे छोटे बच्चे। ये देश की जनता के लिए रियली एक सबक है, इसलिए सोच समझ के वोट देना चाहिए। डेढ़ दो साल से नहीं है क्या कोरोना? वैक्सीन की सुविधा होनी चाहिए ना पहले से। वैक्सीन चलो लेट बना तो ऑक्सीजन की तो होनी चाहिए ना। ऑक्सीजन बेड, ये यहाँ मन की तन की पता नहीं कौन से बात कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का? देश चलाते हो तुम लोग भाई। देश नहीं चला सकते तो रिजाइन दे दो ना। देश चलाना मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ बकचोदी नहीं करना होता है देश चलाना। मैं आज बहुत ज्यादा भड़की हूँ। पावर है आप लोगों के हाथ में। ऑक्सीजन तो कहीं से भी किसी भी देश से मंगा सकते हो। क्या हमारे देश के मंत्री तीसरी लहर के लिए रेडी है? बच्चों के ऊपर आने वाली है, उन माँ बाप को क्या होगा? लोग यहाँ पे कितना मर रहे हैं। अभी एक यूट्यूबर जो थे, राहुल वोरा, वो संभावना के डैडी, कितने आर्टिस्ट यू नो, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ईश्वर ना करे कभी मेरी माँ को, परमेश्वर ना करे कभी कुछ हो, किसी के भी माँ बाप को कुछ ना हो। मैं तो कहती हूँ सलमान खान और सोनू सूद को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि असली हीरो तो वो ही है, सोनू सूद। सबसे ज्यादा कितना लव करते अपनी कंट्री से, अपने लोगों से, सलमान खान, ये अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये लोग देखो कितना प्यार करते हैं अपने देश की जनता से। ये गलत बात है जब आप वोट लेते हो। पता है आप नोट खर्च करते हो तभी वोट मिलता है, और देश की जनता को भी समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे नहीं वोट करना चाहिए इन लोगों को। सही मंत्री जो हो, देश के लिए जो प्राण दे, जो देश की जनता के लिए प्राण दे, उनको वोट करो। थैंक यू मैम। सॉरी प्लीज। विलेज साइड साइड विलेज साइड में आज बहुत ज्यादा सैड हूँ यार। कोई नहीं, नहीं अभी बच्चों के ऊपर आने वाला मैं से देखा नहीं जाएगा, मेरा कलेजा फटता है यार। बाकी जी बैठ जाइए, बाकी जी बिल्कुल भी रोने का नहीं। भी रोना तो आएगा ना, रोना तो आएगा ना। बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे, भगवान।